नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई इस संवाद श्रृंखला में, जिसका नाम है आपकी मेरी बात, इसमें आज हम अपने साथ सहर्ष महसूस कर रहे हैं कि हमारे टोंक जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान राजेंद्र पराना जी, उनसे संवाद करेंगे। और इस संवाद का अर्थ इतना ही होगा कि हम ये जान सकें कि इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी सोच के बारे में, पार्टीगत कार्यशैली के बारे में और आम जन सरोकार के बारे में इनकी राय क्या है, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या सोच या योजनाएं रखते हैं। तो आदरणीय राजेंद्र जी, मैं शुरू करता हूं छोटा सा प्रश्न से कि प्लीज पहले ये तो बताएं कि आप अपने जीवन के किस मोड़ से इस राजनीतिक, कोई भी अपने चुनाव किया राजनीतिक दल का या किसी संस्था का आप जुड़े, और क्या भावना लेके जुड़े और कैसे आगे बढ़े, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं प्लीज। धन्यवाद सक्सेना साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार का नवाचार आपने ये किया है और नए नए लोगों से संवाद कायम करके उनके विचार आप आम जन तक पहुंचा रहे हैं जी। इस नवाचार, इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि बालपन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं राजनीति क्षेत्र में जाऊं जी, लेकिन बाल्यकाल में ही मैं संघ का स्वयंसेवक बना। ठीक है। और जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था जी, मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, जी, उसके संपर्क में आया, और उसके संपर्क में आते आते उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई, तो मेरा राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ाव बढ़ता चला। ठीक है। संघ से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ता चला गया। ठीक है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा जी जी कि आज भी मैं राजनीतिक कम और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हूं। अच्छी बात। मेरी जो रुचि है, आप जानते भी होंगे जी, मेरी जैसी रुचि है वो सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा है जी। अब ठीक है, सामाजिक कार्य करते करते संगठन ने जो जिम्मेदारी पहले दी वो निभाई, अब जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है हम उसको निभाना चाह रहे हैं। इस प्रकार मैं यहाँ तक पहुँचा। संगठन में किन किन पदों पर आप रहे और अपना प्रभार निभाया? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने विद्यालय, महाविद्यालय, नगर, जिला जी और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, इस नाते से मैंने विद्यार्थी परिषद में जिम्मेदारी निभाई। मैं बजरंग दल में भी मेरे को दायित्व रहा जी। कालांतर में स्वदेशी जागरण मंच का भी मेरे को दायित्व रहा। अभी हाल ही में हिंदू जागरण मंच का विभाग अध्यक्ष का दायित्व रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल का महामंत्री रहा, जिले का 2 बार महामंत्री रहा। ठीक है। और युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहा जी। और अभी गत दिसंबर 2019 से पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया है, मैं इसको निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आपने बताया कि आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं, वरिष्ठ पर इसके कि आप कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहें राजनीतिक दायित्व निभाते हुए, या राजनीति में ही अपनी कोई समीकरण बैठाएं, ऐसा आपका रुझान नहीं है, तो थोड़ा सा आप इस बात पर विस्तार से थोड़ा सा खोलेंगे कि किन क्षेत्रों में आपकी सामाजिक कार्यों को लेकर समाज के लिए क्या दृष्टिकोण रहा, किन क्षेत्रों में आपने कुछ काम कर पाए? जो मैंने संगठन से सीखा जी, अपने बुजुर्गों से सीखा जी, तो सामाजिक दायित्वों का जो निर्वहन किया जी, उनकी पब्लिसिटी से थोड़ा बचने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, कुछ यदि कहीं सेवा बन पड़ी तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो, ऐसा भाव रहा। बहुत सारी जगह जहां अपनी जिम्मेदारी समझी, जहां जरूरत समझी, वहां अपने आप को खड़ा किया जी, और वहां पर हमने सेवा करी, तो वो जीवन के पर्याप्त उदाहरण है। ठीक है। लेकिन अगर हाँ, लेकिन यदि आप किसी जिम्मेदारी लेकर के सामाजिक सेवा की बात करते हैं जी जी जी, जी।
तो मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए कि टोंक जिले की सबसे बड़ी गौशाला जी जी श्री गांधी गौशाला जी, जो किसी समय में महात्मा गांधी के द्वादशे के दिन टोंक के प्रगतिशील प्रतिभावान नागरिकों ने जो स्थापित करी थी जी जी, उसमें मैं लगभग 5-1 साल से जुड़ा हूँ ठीक है, और सारे सहयोगियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जी वहाँ गौसेवा का काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक आपने सबसे बड़ी बात कही है कि गाय वैसे भी अपने अपने कल्चर में अपनी संस्कृति में उसको विशेष स्थान है, उसको सिर्फ जानवर नहीं माना जाता, उसका एक विशेष स्थान है, उसके पीछे धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हैं। लेकिन मैं आपसे जरा सा एक खुला प्रश्न ये करना चाहूँगा कि गांधी गौशाला में जो गाय आ गई उनकी आप देखभाल करते हैं, ये अच्छी बात है, उनकी चारे की पानी की व्यवस्था भी करते हैं और अच्छा कैंपेन भी चल रहा है, ये भी सबको पता है, लेकिन ऐसा कार्य क्यों नहीं हो पा रहा कि हमारे सड़कों पर जो गाय बैठी रहती है को निश्चित रूप से कि उनका कोई मालिक तो होगा, तो क्यों नहीं ऐसा कोई कार्य अपनाया जाता कार्यशैली कि उनकी मालिकों पर गायों के जो ओनर हैं किसी तरह की पेनल्टीज एम्पोज की जाती हैं, या हमारी नगर परिषद द्वारा जो पिछले जो सेशन गया है अपना उसमें श्रीमती लक्ष्मी जैन थी और वो भी भाजपा से थी और उनका शासन कार्य अच्छा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्य होता नहीं दिख रहा आमजन को, उससे कई एक्सीडेंट भी होते हैं, बरसात के मौसम में सड़कों पर गंदगी फैलती है, कई सारी बातें आती हैं, तो इस संबंध में कुछ आप सोचते हैं? मैं निवेदन करता हूँ जी, क्रमशः 25-50 करके लगभग 150 से लेके 180 गायें हमें सरकार द्वारा नगर परिषद द्वारा दी गई हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, एक विषय। दूसरा विषय, लगभग 4-1 साल पहले जी श्री गांधी गौशाला ने एक घायल गौमाता के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी। टोंक शहर से 10 किलोमीटर रेडियस में यदि कोई गौमाता घायल होती है, परेशान होती है, हमारे पास फोन आता है, हम उसको निशुल्क उठाते हैं और हमारे यहाँ का मेडिकल स्टाफ उनकी सेवा करता है। नहीं, क्या वो लावारिस गायों के लिए है या किसी ओनर की गाय के लिए भी व्यवस्था? ओके, बहुत क्लियर आपने पूछा। हमने शुरू में सामान्यतः सबकी गायें लेना प्रारंभ किया जी, लेकिन उसमें कई तनाव हुए हमारे। किसी व्यक्ति की कोई गाय थी, वो एक्सीडेंट हुई, उसने कहा ले जाओ, हम ले आए, हमने उसको तैयार कर दी, तो बाद में वो हमसे झगड़ने आ गया और लेने आ गया। ठीक है, हमारी संस्था का एक नियम है कि जो भी गौमाता एक बार गौशाला में आ गई वो येन केन प्रकारण बाहर नहीं जानी है, किसी भी प्रकार से जाए तो वो आरोप लग सकते हैं, तो ये एक पॉलिसी हम लोगों ने बना रखी है, जो गाय अंदर आ गई वो बाहर नहीं जानी है, जब ईश्वर उसके समय पूरा कर देगा तो जानी जानी है, बाकी जीवित अवस्था में हम कोशिश करते हैं कि उसकी सेवा हम ही करें। तो जब वो तनाव हो गया, लोग बाग लड़ने झगड़ने आ गए, तो हम पूरी समिति ने तय किया कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं, हमारी प्राथमिकता सेवा है जी। तो हमने तनाव से हाथ जोड़ लिए, वो काम ही नहीं करना जिससे तनाव हो तो ठीक है ना, बाकी की जितनी गौमाता है आज लगभग 465 के आसपास गोवंश है जी, उनकी हम सेवा कर पा रहे हैं। और इससे एक कदम मैं आगे की बात बताऊं जी, मेरा ऐसा मानना है गाय तब बचेगी जब घर घर बनेगी, बहुत अच्छी बात है, गौशालाओं में गाय नहीं बचेगी। नहीं तो इसके प्रति आपका जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, कोई कार्यशैली मैं वही बताना चाह रहा हूँ जी, ईश्वर कृपा से आज सब पढ़े लिखे हैं, नेट की सुविधा है, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गो वैज्ञानिकों से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे भंडार गृह, सारे गौमाता के शेड बनाने के बाद अभी हाल ही गत 24 तारीख को जी गांधी गौशाला में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, उसमें एक हॉल बनाया गया है, उस हॉल के पीछे हेतु यह है कि हम प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग देंगे, देश भर के गो वैज्ञानिकों को बुलाएंगे और गाय के गोबर और गाय के मूत्र से जी जो कृषि हो, जो खेती हो,
वो हम उन लोगों को समझाएंगे जब गाय का गोबर गोमूत्र आपके लिए फायदे का होगा तो घर घर में गाय बनेगी, इससे गाय की रक्षा और सेवा ज्यादा हो पाएगी और ये हमारा लक्ष्य भी है और इस पर हम वर्किंग कर भी रहे। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि गौ संरक्षण को लेकर आप जागरूक। पिछले दिनों मुझे एक बात सुनने में आई थी और मेरे मन में उसके प्रति कुछ विचार भी उठे थे। सुनने में ये आया था कि जो विदेशी गाय है उनके प्रति आपका कोई सोच नहीं, आप कोई जिम्मेदारी उनके लिए लेना नहीं चाहते, वो भी अपने देश की गाय हैं, वो भी बीमार होती हैं, अपने देश की पानी पीती हैं, जमीन का चारा खाती हैं, तो ऐसा क्यों नियम बना? बहुत अच्छा प्रश्न, आपके माध्यम से मैं सबको जवाब देना चाहूंगा। जी मैं राजेंद्र पराणा जी और मेरी सारी टीम भगवान श्री कृष्ण की गाय की सेवा करने के लिए इच्छुक है। अच्छा, जीव तो है वो, जो हाइब्रिड गाय बनाई गई विदेशों में मांस और दूध की आपूर्ति करने के लिए, ठीक है, वो देशी गाय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की गैया नहीं है, जो भवसागर से हमें तारेगी वो गाय नहीं है, उसके दूध में वो गुण नहीं है, उसके गोबर में वो गुण नहीं है, तो हमारी नीतिगत तय है कि भगवान श्री कृष्ण की जो गाय है, जो देसी गाय है, हम सिर्फ उसकी ही सेवा करेंगे। ठीक है, आपके विचार जी, मुझे कोई तर्क नहीं करना जी, सिर्फ आपके विचारों से जी अवगत होना जी ही इस कार्यक्रम की जी। अब जहां तक ये गौ सेवा और दूसरे काम सामाजिक काम सामने आए आपके द्वारा जो प्रतिपादित किए जाते रहे, इसके बाद जैसे ही आप जिला अध्यक्ष बने तो सामने बहुत सारी बातें ऐसी भी आई, हम अखबार से जुड़े हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कार्यकारिणी में कुछ बहुत नए चेहरे हैं या जो पुराने हैं जिनको उम्मीद थी कि आप साथ लेके चलेंगे उनको निराशा हाथ लेगी, ये सबके संग होता है, आपके संग नहीं है। जो भी कोई कार्यकारिणी बनाएगा उसके सामने ये कंट्रावर्सी तो आएगी ही आएगी, तो इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ठीक है ना, ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि हम सवाल नहीं करने बैठे हैं, हम सिर्फ संवाद करने बैठे हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि क्या सोच के आपने किन लोगों को चुना है, किस तरह वो आपकी सोच को आपकी कार्यशैली को अपने संगठन के हित में रहते हुए उसके प्रति वफादार रहते हुए काम करेंगे आपके संग कंधे से कंधा मिलाकर, तो क्या सोच के आपने बनाई? बहुत अच्छी बात, वैसे तो आपने स्वयं ने कहा कि प्रश्न नहीं। हाँ, प्रश्न सहमत हूँ आपसे, पर फिर भी आपने जानकारी चाहिए तो मैं निवेदन करूँ। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, ठीक है, और हर चीज तय है जी। ये जो कार्यकारिणी का जो गठन किया है ये अकेले राजेंद्र पराणा ने नहीं किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रमुख लोग हैं, नए पुराने जो लोग हैं, उन सबसे विचार विमर्श करने के बाद इस कार्यकारिणी का गठन किया, स्पष्ट हो जाना चाहिए जी। और इसके बाद हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भी इसको चेक किया गया, ठीक है, क्रॉस चेक भी किया गया, ठीक, एक बात। दूसरी बात, ये सामान्य स्थिति है, मैं आज जिलाध्यक्ष हूं कल नहीं रहूंगा, सब चलता रहता है, तो मेरे कुछ सीनियर्स जो गत बार जिम्मेदारी में थे, जरूरी नहीं कि वो लोग निरंतर जिम्मेदारी में रहे, नहीं नहीं, ये तो देखिए ऐसा हो भी नहीं सकता जी, ये तो साइकिल है जी जी, नहीं लेकिन जिम्मेदारियां सबको मिलनी है, किसी को जिले से प्रदेश में जा सकता है, हाँ बिल्कुल, कोई जिले से कोई जनप्रतिनिधि बन सकता है, सबों के स्वरूप बदलने हैं, लेकिन हर हाथ को काम और हर काम को हाथ इस बात पर इस नीति पे काम करती है, बिल्कुल सही। और रही बात इस कार्यकारिणी की, तो मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग तो पुराने ही हैं, ठीक, अगर हम बात करें तो मोर देन 60-70% तो पुराने लोग हैं जो दायित्व पे रहे हुए हैं, अब कुछ नयों को भी हमें मौका देना है, बिल्कुल सही, हमें नयों को मौका देना है, वो किस लिए काम जस्टिफाइड था? आज के 10 साल 15-1 साल पहले जब मुझे जिला महामंत्री बनाया गया था तो मैं युवा था, तो मेरे तो मौका दिया और मैं कहीं ना कहीं ठीक उतरा, तो आज मेरे को जिले का मौका दे दिया, तो हमें अब पुराणों का साथ रहते हुए नए लोगों की ऊर्जा का उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना, इस नाते से इस कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब हम जिले की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि आप हैं जिला अध्यक्ष तो आपके दायित्व दो तरह से पड़ते हैं, कि एक तो वो है जो पार्टीगत जो नीतियां हैं जो आपको निर्देश मिलते हैं उसके अनुरूप रहते हुए
आपको पार्टी का जनाधार और आम जन से जुड़ी समस्याओं के संबंध को लेकर जो आप सकारात्मक कदम उठा सकते हैं जनहित में भी पार्टी हित में भी वो आप उठाएंगे। तो प्रश्न ये आता है कि जैसे जब आप जिलाध्यक्ष बने और मुझे लगता है ऐसा सबके संग होता है, अगर मैं होता तो मेरे संग भी होता, ये तो सोचना ही पड़ता है कि पिछला जो अधिकारी था हमारा जो इस पद पे था, हम निंदा नहीं करते, हर आदमी की सीमा है, परफेक्शन कहीं नहीं होता, ये मानते हैं, फिर भी बहुत सारे काम रह जाते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष, क्योंकि अपना क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा टोंक पहले सफे पर लिख दिया जाता है कि बड़ा पिछड़ा जिला है, ये बड़ा कलंक है। तो आप जिला अध्यक्ष बने, आपने बड़ी सारी अनुभव लेके यहाँ तक आए, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जिले के आम आदमी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भी, और जबकि अपने प्रसन्नता की बात है कि अपने जौनपुरिया जी हैं, दोबारा भी उनको मौका मिला है और वो साथ में हैं, और ये भी जो सच कहा जाता है उनके बारे में कि और जितने इससे पहले जो सांसद रहे उनसे कहीं ज़्यादा उनका दौरा हमारे जिले में रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो ऐसे व्यक्ति का भी साथ आपके पास है, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, सकारात्मकता के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय हमसे ज्यादा सक्रिय हैं। ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा सक्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज दिया है उसका मेरे जिले में ठीक ठीक क्रियान्वयन हो जाए, पात्र को उसका हक मिल जाए, जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी हो जाए, ये ध्यान हमें रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, कोई उद्योग जगत के लोग हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपके लिए ये सुविधाएं हमने दी हैं, हमसे मतलब केंद्र सरकार ने दी है। ठीक बात है, जो गरीब कमजोर तबका है उसको फ्री राशन दिया जा रहा है, उसको भी बताया जा रहा है कि आपके लिए ये है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया एंटरप्रेन्योर है, उसको बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से काम करिए। और ये कैंप्स कहाँ लगा रहे हैं आप? ये हम ये जो वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं। कोई विशेष स्पेसिफिक जगह नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं बहुत क्लियर निवेदन कर दूं, जब से कोरोना का काल आया है भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा कार्यक्रम वर्चुअल कर दिया है, मतलब हम कभी भी 10-15-20 लोग भी बैठ करके आपस में मीटिंग नहीं करते हैं। इस टेक्निक के माध्यम से, जिस टेक्निक के माध्यम से आज अपन सब लोगों से जुड़ रहे हैं, इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं। ठीक है, और वो जो जिस क्राइटेरिया का जो आदमी है उस आदमी को हम वीसी के माध्यम से जोड़ करके ट्रेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बताऊं, हमारा टोंक शहर एक इतिहास बनाने वाला है। मेरा एक मित्र है, मेरे एक बाल सका है, राजेश जी उनका नाम है। ठीक है, उनका बच्चा है जतिन उसका नाम है। ठीक है, 16 साल की उसकी उम्र है, उस आदमी ने एक मैसेंजर ऐप बनाया है, एक मैसेंजर ऐप बनाया है, और जो अभी जो प्रचलित है हमारा व्हाट्सएप जो प्रचलित ऐप है उससे स्ट्रॉन्गर है, उससे सुपीरियर है। इवन के मेरे उस बालक जतिन ने जो 3 फीचर्स उसमें व्हाट्सएप नाम से जो ऐप बनाया उसमें डाले, 3 फीचर व्हाट्सएप ने कॉपी कर लिए। तो ऐसे नवाचार वाले बालकों को हमने उनको बताया, वैसे वो खुद इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो जो प्रधानमंत्री जी ने एक प्रतियोगिता लागू कर रखी है कि आईटी को लेकर के कुछ आप नवाचार नया डेवलपमेंट करते हैं तो आप अप्लाई करिए और प्रथम जीतने वाले को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा, उस बच्चे ने वहां अप्लाई किया है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को मौका देना, प्लेटफॉर्म तैयार कराना, ये मोदी जी से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक के बीजेपी के कार्यकर्ता का काम है जो हम निरंतर कर रहे हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा इस बारे में जो 20 लाख करोड़ की बात हो रही है, जी, 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 इसका इसके संबंध में अब तक कुछ कार्रवाई की गई है, उसको कुछ डेटास हैं आपके पास? जी जी, मैं डेटास की यदि बात करूं तो
अभी हाल ही में जब हमारे सांसद महोदय का जी टोंक दौरा हुआ था, मैं समझता हूँ 5-1 दिन पहले बता रहे थे वो, IDBI बैंक ने उन्हें बुला करके उद्यमियों को इस कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जो एडवांस रन है, ऋण है, वो उनको जारी किया। मैं समझता हूँ वो करोड़ों में है अभी, सिर्फ IDBI बैंक टोंक की एक शाखा, और ये सारे बैंक और उनकी सारी शाखाएं ये मोदी जी के काम को करने में लगी है। हमारा काम उनकी मॉनिटरिंग करना मात्र है। मैं कोई संवैधानिक स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है वो परफेक्ट रूप से एग्जीक्यूट हो जाए, ये वॉच हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कर रहे हैं। मेरा एक जनरल बात है कि आप इस जिले से हैं, हमारे सांसद महोदय 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वो बखूबी जानते हैं हमारी मिट्टी को, हमारी स्थितियों को, हमारे पानी को, हमारी फसल को बखूबी जानते हैं। तो क्या हम अपने ग्राउंड लेवल पर अपने जिले के लिए आपके आप उनके संग कोई ऐसा संवाद करते हैं कि जिले के लिए क्या करने जा रहे हैं? जी वो तो ठीक है कि वो जो ऊपर से आ रहे हैं ऑर्डर्स, वो आप पार्टीगत भी करेंगे और मानवीयता के नाते भी करेंगे, दोनों बात है। लेकिन जिले की बात अगर मैं करता हूँ कि अगर हम अपना घर ही नहीं संभाल सके तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो उस संबंध में, क्योंकि आपके पास सांसद ऐसा है जो रीजनेबल है, जो चिंता करता है, समय देता है, आता है, पैसा भी खर्च करता है, तो हम जिले के लिए उससे कोई संवाद नहीं कर सकते? बहुत अच्छी बात। मैं समझता हूँ हमें करने की जरूरत नहीं है, हमसे पहले हमारे सांसद महोदय चिंतित है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, शायद जॉन एफ कैनेडी का है ये कोटेशन, उन्होंने कहा कि हमने सड़कें बनाई और सड़कों से विकास हुआ। ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का कहना था कि हमने विकास किया उससे सड़कें बनाई, लेकिन उस अमेरिकन राष्ट्रपति का कहना था कि हमने सड़कें बनाई और उससे विकास हुआ। ठीक है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था तो टोंक जिले को विकसित करने के लिए सड़कों का जाल अगर किसी ने बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया, और उसको अगर मॉनिटरिंग करिए तो हमारे सांसद साहब ने करिए। तो मैं समझता हूं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अभी प्रायोरिटी है, उस पर लगे हैं। जब हम एक उदाहरण अभी आपको जानकारी में होगा, दिल्ली से लेके बॉम्बे एक हाईवे बन रहा है, एक नया हाईवे बन रहा है। गडकरी जी ने भी एक वर्चुअल मीटिंग करी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 12 घंटे में आदमी दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाए। ठीक है, तो वो जितने भी किलोमीटर की, लगभग 1000-1200 किलोमीटर की जो भी वो रोड रहेगी, वो बिल्कुल नई रोड बनाई है। अब नई रोड बनाई है तो साइडों में खेत ही होंगे, वहां पे इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप होंगे, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे टोंक जिले के आसपास से गुजर रही है, चोरू पचाला जो माधोपुर की बॉर्डर है लगभग उसके आसपास से गुजर रही है, तो उससे मेरा टोंक जिला भी उससे विकसित होना है। तो अभी तक ग्रास रूट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को उतारा जा रहा है। ठीक है जी, लेकिन प्रश्न यही आता है, फिर भी ये आता है, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ओके बिल्कुल, हम अगर यहाँ इस जमीन की मिट्टी में हवा पानी में सांस ले रहे हैं तो हमारा अपना कुछ नैतिकता है। तो व्यक्तिगत रूप से ये बड़े पैमाने की बात है जो आपने कही जी, जी अगर नरेंद्र मोदी जी फंड रिलीज कर रहे हैं, उससे काम हो रहा है, ये अच्छी बात है कि उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि काम ठीक से हो क्वालिटेटिव, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन आप यहाँ का आम आदमी, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का किसान, यहाँ के पानी की समस्या, उसकी उसके लिए आप कभी डोमेस्टिक मीटिंग नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जी, टोंक जिले में अगर आप सिर्फ टोंक शहर की बात करेंगे तो अलग चीज है। नहीं, अपन पूरे जिले ही करते, निवाई एक औद्योगिक नगरी के नाते काउंट होती है। ठीक है, देवली व्यापारिक नगरी के नाते काउंट होती है। सही कह रहे, और ये सब भी टोंक जिले में आते हैं। ठीक, हमारे टोंक शहर की यदि बात करें, जो जिले का सबसे बड़ा शहर है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बहुत लोग यहाँ कम पढ़े लिखे हैं, विकास की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, प्रोडक्टिविटी में अपना सहयोग देना नहीं चाह रहे। तो हमारा प्रयास रहेगा उन लोगों को टेक्निकली ट्रेंड किया जाए,
और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं चल रही हैं, और जब राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी मिलेगी, जब हमें राज्य में जिम्मेदारी मिलेगी, तो हम उसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। और देश का पूरा सर्वांगीण विकास जब होगा तो उसे नए नए चांसेस जो मिलेंगे वो हमारे टोंक के लोगों को मिलेंगे। ठीक है, ये सोच अच्छा है आपका, मैं इसे सकारात्मक महसूस करता हूँ, लेकिन बात वहीं आके लगती है। इससे पहले अभी 2 साल हुए हैं अशोक गहलोत, उससे पहले वसुंधरा जी थी, आपका ही शासन था, वो वक्त तो स्वर्णिम काल था कि ग्रास रूट से लेकर ऊपर शीर्ष तक भाजपा ही भाजपा। जी जी जी, स्वर्णिम काल मानता हूं। जी जी जी, देश में जी, तो भी ऐसी स्थिति में हम इस जिले के बारे में कोई, अगर शिक्षा की कमी है तो शिक्षा के क्षेत्र में जी काम होना चाहिए जी, किसान की हालत खराब है तो किसान के लिए काम होना चाहिए जी। वो एक जमाना था जब, पिछला कार्यकाल था जब सीमेंट की ब्लैक में झमके होती थी और किसान लट खा रहा था, वो भी देखा है अपने, आरोप किसी का नहीं। नहीं, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि राज्य की बात है केंद्र की, लेकिन उस समय तो दोनों ही थी, इसलिए सरकारों पर आप आरोप लगाए ना लगाए जिम्मेदारी तो आती है। तो मेरा कहना यह है कि जैसे सांसद महोदय ने गांव गोद ले लिया काटोली, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि वो वहां जाके कोई डेवलपमेंट हुआ, और अगर ऐसा, मेरा अपना निजी विचार है कि अगर वो किन्हीं अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण जी अगर वो सूट नहीं करता है जी कार्य करने के लिए, कोई विशेष परिस्थितियां भी हो सकती हैं जी, जी। प्रशासनिक भी हो सकती हैं, जनता की भी हो सकती है, तो कोई और जगह का चुनाव क्यों नहीं कर लिया गया जी, जी। किसी और क्षेत्र में तो डेवलपमेंट होता जी। तो मेरा आपसे प्रश्न क्या है, एक आपसे संवाद के रूप में बात करूंगी, क्या इस तरह नहीं सोचा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल सोचा जा सकता था, सोचा गया है। आप जो बता रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय को ने एक पंचायत गोद ली, मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छी बात है ना, सामने आए। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँ, सांसद महोदय नहीं, हमारे हर विधायक ने भी एक एक पंचायत गोद ली। ठीक है। और उन सारी पंचायतों का, सांसद साहब ने भी अपने पंचायत का विकास किया और विधायक महोदय ने भी अपनी पंचायत का विकास किया। लेकिन यहाँ एक चीज निकल करके आती है, विकास का कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप समझ रहे मेरी बात? नहीं नहीं, मैं आपकी बात पे यही कह सकता हूँ कि विकास का कोई लिमिट नहीं है। खाली गड्ढे में भरा हुआ देखने में बहुत समय लगता है। एग्री एग्री। नहीं नहीं, खाली गड्ढे को भर देना ये भी विकास है, लेकिन उसके बाद सड़क बन जाना ये भी विकास है, फिर सड़क की रोज सफाई हो जाना ये भी विकास है, और उस सफाई दिन में 3 बार होते रहना ये भी विकास है। तो विकास की कोई सीमा नहीं है, और हम फिर भी उस हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कर रहे हैं। अब शहर की स्थिति पर थोड़ी सी बात। हाँ। पिछली बार का मुझे एक घटना याद है, बीच बीच में पता नहीं क्यों जौनपुरा जी के साथ में काफी रहा हूं, तो बीच बीच में प्रसंग उनका आ ही जाता है। क्योंकि हाँ, हमारे तो मेरे प्रश्न करो ना साहब। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ साहब आते हैं। नहीं नहीं, प्रश्न ये है कि मैं उनकी उनकी तारीफ कर रहा हूं और उनका संदर्भ इसलिए ले रहा हूं कि वैसी ही चीज मुझे अब दिखाई देनी चाहिए जो नहीं दिख रही जी। इसलिए है, एक जमाना था आपका मॉल बना जिसमें आप मॉल संचालित कर रहे हैं, और निर्माण कार्य होते होते रुक गया था, आपको पता होगा। मेरे आने के बाद तो नहीं, आपके आने ही निर्माण कार्य, आप तो निर्माण हो जाने के बाद, आप उससे पहले का मुझे पता नहीं। थे तो आप टोंक जिले में। ठीक है, एक पक्ष उनको उस निर्माण कार्य को पूरा करा देना चाहता था। ठीक है, एक पक्ष उसको रुकवाना चाहता था, रुकवा नहीं पा रहा था, ये ट्विस्ट था, मैं वहीं था इसलिए बात कर रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंट। जी जी जी, मैं नाम किसी का नहीं हूं बिल्कुल। लेकिन मैं सुबह सुबह कोई 8:30 होंगे 9 बजे होंगे, ओम बिलास होटल की बात जी। मैंने ही कहा उनसे, मैंने कहा ये आपके राज में हो क्या रहा है, सुनने मारा अतिक्रमण है, अतिक्रमण है। तो मैंने कहा आपके होते हुए अतिक्रमण हो रहा है, एक तब तो आप बनती हुई सकते हैं, खुदवा के देख रहे हैं कि काम कैसा हो रहा है।
और एक ही हो रहा है, पता नहीं जॉन जौनपुरिया जी को मेरी बात पे कितना यकीन आया, लेकिन उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो म्यूनिसिपलिटी के कमिश्नर का फोन आया कि साहब मैं क्या करूं, वो फलाने साहब तो कह रहे हैं काम चलने दो, अब मैं किसकी सुनूं, इतना सच्चा फोन हो सकता है, मैं नाम किसी का नहीं कह, हो सकता है। खैर वो काम रुका, अच्छा उसी एक घंटे बाद तो पुलिस की गाड़ियां आके खड़ी हो गई और वो का टाइम काम रुका। मेरा मकसद उस काम के रुक जाने से मैं कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कहने का जो अभिप्राय वो सिर्फ इतना सा है कि अगर वो अतिक्रमण हो रहा था, ठीक है, मतलब जितने जमीन का स्वामित्व है उसके आगे कोई काम चल रहा था, किसी को ऑब्जेक्शन था, जो भी था, ठीक है, उसकी कानूनी कार्रवाई होती है, कोर्ट इज देयर, आप तो वकील हैं जी, आप यू नो बेटर। लेकिन वो रुका, उसके काफी टाइम बाद रुका, वापिस शुरू हुआ, चलिए वो कार्य, वो जो प्रक्रिया थी पूरी हो गई होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हर आदमी निर्माण कार्य तो कर रहा है, तोड़ तो नहीं रहा है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन शहर में और भी ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं काम, लेकिन वैसी पारखी नजर हमारे सामने तो आई, ऐसा तो है नहीं कि निर्माण कार्य नहीं हो रहे, नहीं निर्माण कार्य हो भी रहे होंगे, वैध भी हो रहे होंगे, अवैध भी हो रहे होंगे। जो प्रसंग आपने अभी, उस प्रसंग से मेरा मतलब सिर्फ इतना आता है कि अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो पिछले कार्यकाल में तुरंत कार्रवाई की गई, ठीक है, अच्छी बात है, और वो कार्रवाई गलत थी तो समाप्त हो गई होगी, निर्माण कांड शुरू होगा, मुझे और किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ प्लान एक्शन की बात कर रहा हूँ, जी जी, सोच की भाई शहर में ऐसा नहीं होना। देखो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप जिस घटना की बता रहे हैं मैं कोई एक्टिव रोल में था नहीं, तो मेरी नोटिस नहीं, नहीं, नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि भाई तो जिले के नागरिक के नाते तो थे। अब मैं दूसरी बात कहूँ, अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप यो समझेंगे कि ये संवाद नहीं, ये राजनीतिक कार्यक्रम होगा, लेकिन जो गतबार की जो हमारी सभापति रही है लक्ष्मी जैन, उनके जो डेवलपमेंट के काम है, उनके जो डिसीजंस हैं, उनको टॉकशेयर पर्याप्त याद रखेगा, बिल्कुल रखेगा, इतना सही कहना है। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप नहीं भी कहे तो शहर तो याद रखेगा। कल की बात है, मैं जब नहीं कहेंगे साहब, मैं जब आपसे उधर से ऑफिस से निकला और मैं बस स्टैंड होता हुआ जा रहा था, तो अचानक मेरी फिर रोज ही निगाह पड़ती है बस स्टैंड को देखते हुए, फिर निगाह पड़ गई उचटती सी, और एक बैग मेरे मुंह से निकला कि जो पुराना बस स्टैंड हुआ करता था हमने वो भी देखा। और आज बाहर से आदमी आता है जो ये कहता था कि टोंक जा रहे हैं, मतलब रास्ते में जहां पहला कार ने धचका खाया वो कहता था टोंक आ गया क्या भाई। आज वो स्थिति तो नहीं, वो स्थिति हमारा बस स्टैंड देखो तो हमें अच्छा लगता है, साफ सुथरा है, तो ये उनकी देन है तो याद रही, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा ना कि जो काम, अब अभी की एक निवेदन करूं, आज ही मैं अधिकारी से मिलकर आया हूं, पिछले लगभग साल भर से नगर परिषद टोंक में मृत मवेशी उठाने का ठेकेदार ही अपॉइंट नहीं है, ठीक है, मैं गौशाला से जुड़ा आदमी हूं, हमें रोज एक आध बार जरूरत पड़ती है, कभी एक दो दिन में जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये लगभग 2.5-3 लाख लोगों की जनसंख्या का शहर है, ठीक है, कहीं कोई गोमाता भी मर सकती है, कोई दूसरा जानवर भी मर सकता है, और अगर उसको उठा करके बाहर फेंकने की या शिफ्ट करने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो कितनी बड़ी कमी कमजोरी है, ठीक है, यहाँ फिर हमें बीजेपी का चेयरमैन याद आता है, ठीक है। मैं अभी अधिकारी से मिलकर आया हूँ इस विषय पे, कारण क्या, बरसात आने वाली है, सही है, कहीं कोई किसी गली में कोई जानवर मर गया और 2-4-5 दिन उठा नहीं, महामारी फैल सकती है, ठीक है, तो मेरे शहर को दिक्कत आ सकती है, मुझे नहीं आएगी, मेरे भाई को आ सकती है, ये तो ये विषय मैं अभी एक अधिकारी से मिलकर आया हूँ, उन्होंने आश्वस्त किया है कि
हमारे पास अभी ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन हम इसकी व्यवस्था नियमित रखेंगे कि ऐसी कोई शिकायत शहर में नहीं है। अच्छा, तो जागरूकता से जो शहर की समस्याएं हैं, जो शहर की परेशानियां हैं, उसके लिए लड़ना और उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए ये हमने हमारी नीति और नियत तो जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल मांग के लिए नीति और नियत बना रखी है। अब अपने शहर की बात करें, अपने जिले की भी बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी 30 साल हो गए पत्रकारिता करते, मैं भी देख रहा हूँ कि हर तीसरे साल हमारे यहाँ बरसात होती है और इतनी होती है कि हमारा बीसलपुर डैम जो कई जिलों को पानी देता है, लेकिन वो पानी हमारे जिले में व्यर्थ बहता है। अब इसके पीछे आप आरोप कर दें कि सभी राजनीतिक वाजनीतिक में निर्माण कार्य फंस जाते हैं, वो चलो एक मैं उसको अलग असाइड कर रहा हूँ, लेकिन पानी तो फैल जाता है, वो पानी जो किसान की चाह। मेरे कुछ किसानों से बात हुई जो ये कहते हैं कि साहब पानी दिला दीजिए, अपना विकास तो हम अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब इतनी जलधारा है आपके पास, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर भी लगाते हैं कि जल बचाओ, बूंद बूंद बचाओ, सब कुछ करो, छतों पे पानी बचाओ और अंडरग्राउंड पानी बचाओ, ये सब इतना सफल बातचीत होती है, लेकिन जिले का इतना पानी बह जाता है, मुझे तो लगता नहीं कि उसके संरक्षण के लिए वसुंधरा जी के टाइम में भी काम हुआ, उससे पहले अशोक गहलोत के टाइम में हुआ, और उससे पहले फिर वसुंधरा जी के टाइम, या अब अशोक गहलोत हैं तो इनके कारण, तो दोनों गवर्नमेंट ही देखिए यहाँ इस शहर की जनता। मैं इस पर आपसे असहमत हूँ, बताइए। पहली बात तो ये कि जो बीसलपुर बांध बंधा है वो हर साल ओवरफ्लो नहीं होता, हर साल नहीं तीसरे साल, और एग्री एग्री आप सही कह रहे हैं, फिर भी उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी शासन ने ईसरदा डैम का कॉपर डैम बना करके छोड़ा। समय लगता है, ठीक है समय लगता है। हाँ। और पानी रोकने की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद है भाजपा की सरकार हुआ करती थी शायद 2003 से 2013 की बात, शोला कांड जब हुआ 2003 से, नहीं वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर, हाँ, के होता, हाँ, हाँ, की मांग को 2003 से लेकर 2013 की बात थी। उस सरकार में जितने एनीकट यानी गांव-गांव में पंचायत-पंचायत में नाले को रोकते हुए जितने एनिकट बनाए गए वो आज तक नहीं बनाए गए। देखिए एक बात सुनिए, आप 2003 से 5 की बात कर रहे हैं, तीन से आठ वसुंधरा जी का ही शासन था जी। वसुंधरा जी के शासन में पानी की मांग को लेकर सोईला गोलीकांड यहाँ चर्चित हुआ जी, जिसकी आवाज विदेशों तक जी कि पानी की मांग के लिए किसान पर होनी चाहिए। वसुंधरा जी ने भी वहाँ आई और अपनी सारी सहानुभूति दिखाई, मृतक परिवारों को बड़ा चढ़ास बनाया और आश्वासन भी दी, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, फिर कार्य रुका रहा। अरे राजनीतिक आप करो, आप लोग सब क्षेत्र के किसान को पानी तो दे दो, अब ठीक करें। और अगर गवर्नमेंट इस समय विपक्ष की है आपकी, तो आप इसकी मांग तो उठा लीजिए जी, आपका जनाधार ही बढ़ेगा। मैं आपको निवेदन करता हूं, 2013 में भाजपा शासन में राजस्थान में भाजपा शासन आया, ठीक है, तो हमारे मालपुरा टोडा के विधायक आदरणीय कन्हैया जी चौधरी ने, ठीक है, जो पहला प्रोजेक्ट बनवाया वो बनास नदी में एक दूसरी नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट, ब्रह्मानी नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट हो सकता है किसी के दिमाग में रहा हो, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा एक्सरसाइज अगर किसी ने करी, उस पर एक्सरसाइज करने वाले अरविंद मीणा है अपने, रामनारायण जी मीणा, हो सकता है आपकी जानकारी में ये हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये है कि उस विषय को लेकर के वो केंद्र सरकार तक गए, ठीक है, और वो जो अटल जी की एक योजना थी
उस योजना में वो आज भी जुड़ा हुआ है, जब कभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये काम भी होना। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है कि अब नदियों का जल जोड़ना। मेरा सिर्फ कहना है कि जिस पानी को हम 3 साल में भी एक बार लिफ्ट करके टोटी सागर में डाल सकते थे, वो क्यों होगा? अब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं निवेदन कर दूं, मैं उस मीटिंग में था। बताइए, इरिगेशन के लिए लिफ्टिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिफ्टिंग का प्रावधान है। आप मेरी बात, ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल तो उसको दूर करते ना यार, मतलब आदमी को पीने का पानी ना मिले या एग्रीकल्चर को नहीं मिले। नहीं नहीं, कब कर रहे पीने का पानी नहीं मिले? नहीं नहीं, घर में टैप लगे हैं। अरे एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिले जी, तो क्यों नहीं मिले? अगर आप मिलना चाहिए, नाम में कोई दोष रह गया, मिलना चाहिए, खामी रह गई है पहले, मिलना चाहिए। जब संविधान में आप संशोधन कर मिलना चाहिए, तो उसमें कोई नहीं संशोधन कर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब ये बहुत अच्छी बात, सहारे मत लीजिए, बहुत अच्छी बात है। सीधी बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ देखो, दो चीजें हैं, एक तो पीने के पानी की, ठीक है, और एक कृषि के पानी की। 8% है कृषि का पानी इसके ओरिजिनल प्रोजेक्ट, वो मुझे पता है, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ मेरा जी जी, तो वो छोड़िए, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ेगी। मुझे मुझे थोड़ा असर था, तो मैं कह रहा हूं जहां तक पीने के पानी की बात है, हर ये नल से जल योजना प्रारंभ करी गई है केंद्र सरकार द्वारा, और हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को उसका नए मंत्रालय का गठन करके और उसका मंत्री बनाया गया, और शायद 5-6 साल में पूरे देश में हर घर में नल से जल। एक विषय, दूसरा विषय आपका सही कहना है, किसान को यदि पानी मिल जाए तो पैदावार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और हम इस पर प्रयासरत हैं, और जिले का विकास, बिल्कुल हम सहमत हैं, और जहां कहीं हमें इसकी बात उठानी पड़ेगी हम तैयार रहेंगे, और ईश्वर ने कभी कोई कलम हमारे हाथ में दी तो ये साबित भी करेंगे कि हम किसान के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छी, क्योंकि कोई भी ऐसा काम हो जो किसान हित में हो, श्रमिक हित में हो, बींग ए हिंदुस्तानी दिल से आवाज निकल रही है कि यार अच्छा किया, भला किया, ईश्वर भला करे, ऐसी भावनाएं निकलती है, तो ये तो जनहित की बात है, और ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि किसान को पानी मिल जाए या श्रमिक को रोजगार मिल जाए और क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि अपने क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है जिले का, यहाँ कारपेट आया तो ख़त्म हो गया, दरी उद्योग आया तो ख़त्म हो गया, आपके स्वतंत्र भारत मिल DCM का प्रोजेक्ट था वो नहीं चला, तो इस पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी सोच समझ के संग कुछ कदम उठाए जाने। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा जी, इस पर एक बात कहना चाहूँगा, हाँ। हमारे यहाँ पर कुछ लाल झंडे वाले लोग हैं। हाँ है, बिल्कुल सही बात। एक फैक्ट्री थी इसुजू गारमेंट्स, हाँ, उनको बर्बाद करने में किलो हाथ आया। अगर ऐसी इसुजू गारमेंट्स फैक्ट्री बर्बाद हुई है, वो बंद हुई है, और हजारों लोगों के रोजगार अगर गए हैं, तो उसके जिम्मेदार वो लाल झंडे वाले लोग। बिल्कुल, I am 100% आप जो कह रहे हैं वो सच है जी। चलिए एक बात छोड़ दीजिए, जब कभी उसके अलावा कारपेट कैसे चला गया भीलवाड़ा का? 100 लून लगी थी। नहीं नहीं, वो कारपेट तो इंटरनेशनल, कोई चेंजेस आए। मेरा मकसद ये है कि आज की परिस्थितियों पर विचार विमर्श मंथन करके अगर इस शहर में, इस जिले में कहीं भी कोई उद्योग, चाहे वो कृषि आधारित जी जी जी, खाद बीज के उद्योग हो जी, स्पेलर्स लगे, तेल उत्पादन हो, दालें उत्पादन हो, कुछ और चीजें हो जो हो सकती हैं जी जी जी। हमारे प्रभुलाल जी रहे सैनी साहब, उन्होंने एग्रीकल्चर क्षेत्र में कुछ फलों का उत्पादन शुरू किया, तो चाहे 5 साल में डेवलप होगा पेड़ या वो 8 साल में होगा, लेकिन स्थाई डेवलपमेंट के लिए ठीक बात वो याद किए जाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है पहले तुझे कि इस तरह की सोच भी बने, तो उसके लिए हम इसके लिए तैयार हैं और हम यदि विपक्ष में रहेंगे तो भी ऐसी परिस्थितियां बने, ये तैयारी करेंगे, और कभी कोई कलम हाथ में आई तो पक्का ही मान के चलेंगे ऐसा होगा। सुंदर बात। अब दूसरे एक प्रश्न है जिसे आप बिल्कुल अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है जी, जी। सिर्फ सुना है मैंने जी, जी। लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी, जी। मैंने सुना है कि अपना कार्यालय बन रहा है BJP का। जी हाँ, सही सुना। कहाँ बन रहा है ये? IDSMT योजना में हमने एक भूखंड नगर परिषद टोंक से नियमानुसार लिया है, वहां बन रहा है। क्या रजिस्ट्री हुई है उसकी?
रजिस्ट्री हमें भू आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है, हमने उनकी बताई हुई राशि जमा करा दी है। ठीक है, अब एक पट्टे के रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया मात्र बाकी है जो हम करने में लगे। ठीक है, नक्शा वगैरह? वो नक्शा तो हम जब वो हमारे नाम आ जाएगा तो नक्शा हमारे सेंट्रल ऑफिस से बनकर के तैयार है, तब हम निर्माण की स्वीकृति लगाने वाले हैं। तो अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। बाउंड्री वॉल हमारी कंडीशन थी उस पट्टे पे, उस भू आवंटन पत्र पे, कि 6 महीने के अंदर अंदर कार्य प्रारंभ करना, तो हमने बाउंड्री वॉल उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया। क्या क्या सुविधाएं रखेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है जितना कार्यकर्ता जरूरी है उतना ही कार्यालय भी जरूरी है। तो उस कार्यालय में जिले के पदाधिकारियों के बैठने का स्थान होगा, आईटी टीम के बैठने का स्थान होगा, छोटा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, लगभग 200-250 लोगों का मीटिंग हॉल होगा, पैंट्री होगी, टॉयलेट्स होंगे, स्टोर होगा। और एक हमारे कई बार अधिकारी आते हैं, उनके रुकने ठहरने के लिए जो जरूरत रहती है, तो एक उनका गेस्ट रूम के लिए कमरा होगा। मोटा मोटा ये स्वरूप अभी है। ठीक जी, आखिरी सर जी, आपने शुरुआत में बताया था कि आप संघ शाखा से, आरएसएस से जुड़े, मुझे बहुत कम शब्दों में इसलिए बताने की आप थोड़ा सा कोशिश कर दें कम शब्दों में, ताकि पब्लिक में अगर कोई भ्रांति है तो दूर हो जाए। जी, मकसद से बिल्कुल आप ठीक समझे। जी जी, नहीं आप बताइए। नहीं, क्या बताऊं? आरएसएस के बारे में। ओके ओके, मतलब आरएसएस के बारे में क्या? हाँ, ब्रीफ में थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात। वैसे तो मैं संघ का एक छोटा सा संयोजक हूँ, ठीक, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरे शब्दों को परिपूर्ण नहीं माना जाए। ठीक है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा, भारत देश की रक्षा और इसके विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ काम करने वाला संगठन कोई यदि है, ठीक है, तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। शॉर्ट में हम इतना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कह रहे हैं, जो औरों के लिए एक जमीन का, भारत देश औरों के लिए जमीन का टुकड़ा है, वो मेरे और मेरे संगठन के लिए भारत माता है। ठीक है, यह है संघ। क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है? नहीं, संघ का कोई राजनीतिक पहलू नहीं। नो, नेवर। अच्छा, नेवर। ठीक, अब बात यह आती है कि बहुत सारी अच्छी बातें हुई, कुछ भ्रांतियां भी दूर हुई, क्योंकि अपने आप भ्रांति बहुत जल्दी उम्र प्राप्त करती है, ये तो पूरी दुनिया में। और भ्रांति से बहुत सारी ऐसी बातें गलतफहमियां होती हैं जो बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। दूसरा एक प्रश्न ये है कि बहुत जनरलाइज प्रश्न है कि अपने संगठन मतलब बीजेपी में ये देखने में आता है जब इलेक्शन होते हैं, चाहे देश के हों या अपने राजस्थान के हों, ये एक विशेष समुदाय को अपन कम अवसर देते हैं। जैसे पिछली बार ही यूनुस खान तो किसी मजबूरी में आ गए, तो ऐसा क्यों? मैं आपसे सहमत हूँ, क्षमा करें, मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई उम्मीदवार खड़े करती है वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो। इसके साथ एक चीज बहुत जरूरत रहती है कि वो जिताऊ भी हो। ठीक है, जिन लोगों में जीतने की संभावनाएं लगती हैं उनको भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति को मौका देती है। अब जिस प्रकार यूनुस खान जी के बारे में आप बोल रहे हैं वो तो एक अपवाद है। अपवाद क्यों है? हमारी पार्टी के बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कहना सही है जी, मैं उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा पे या उनकी क्षमता पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। जी जी जी, ये अपनी वार्ता का प्रश्न नहीं है। नहीं है, नहीं है, वो क्षेत्र में नहीं है जी। मैं तो सिर्फ उनका तो उदाहरण लिया। जी जी, मतलब यह कि जैसे राजस्थान में इलेक्शन के दौरान जो
टिकट बांटे गए जी, पूरे 200 तो नहीं बांटे गए थे, फिर भी चलो जितने भी बांटे गए, उसमें कितना परसेंट या कितना कितने लोग उस विशेष समुदाय के थे? विशेष समुदाय का नाम बोलो फिर मैं बताऊंगा। यही आता है जो आता है आपके मॉमनेंस लॉबी। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सीधी बात है। तो भाई साहब मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, पहली बात तो मैं चयन समिति में था नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात जनरल जवाब दे रहा हूँ। मेरा जो समझ में आता है, पब्लिक मेरा जो समझ में आता है, चयन समिति के लोगों को उस वर्ग के जिताऊ कैंडिडेट जितने लगे उनको टिकट दे दिया गया होगा, जो जिताऊ नहीं हो उसको सिर्फ इसलिए टिकट दिया जाए कि पर्टिकुलर वर्ग का है ना, ना, उसकी बात ही नहीं है ना। तो हमारे धौलपुर से हमारे एक सगीर मियाँ जी जीते हैं, हमारे यूनुस खान जी जीते हैं, और भी कई लोग जीते हैं, और हमारे एक तो मंत्री रहते थे ब्यावर से, शायद पुष्कर से रमजान अली खान जी बहुत सीनियर लीडर थे, मरु सिंह जी के बराबर के साथी थे। तो ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी में किसी वर्ग को लेकर के नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है जी, बहुत सारी अच्छी बातें आपसे हुई, बहुत सालों में आपके साथ बैठने का मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए। सभी दर्शकों को हम दोनों की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमको सुना। और अगर जहाँ भी आपको कुछ प्रश्न हो आपके, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और मुझे उम्मीद है कि पराना जी वो दायित्व निभाएंगे कि वो आपको आपके प्रश्नों को उत्तर समय रहते दे सकें, अगर कोई ऐसी बात सामने आए तो। और इसे इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाए, इसी आशा के साथ धन्यवाद। आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपने जो ये नवाचार प्रारंभ किया है जी, मुझ जैसे नए आदमी को भी आपने लाइव किया है। नहीं, जिलाध्यक्ष के नाते में नया कार्यकर्ता हूँ, इससे पहले मैं जिलाध्यक्ष रहा नहीं। तो नए लोगों को आप जो मंच प्रदान कर रहे हैं जी, उनके विचार आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जैसा आपने अंत में अपने बात में कंक्लूड किया कि उनके को प्रश्न आए वो भी मेरे पास तक आएंगे जी, तो मुझे उन प्रश्नों से अपडेट होने का अवसर मिलेगा जी, जी। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि किसी तरह का मन में किसी के प्रति संकोच नहीं रहना चाहिए। और भ्रांति किसी के मन में हो सकती है, जैसा आपका अंतिम प्रश्न था, किसी के मन में भ्रांति हो सकती है, तो अच्छा, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के मन में ऐसी कोई भ्रांति नहीं। अच्छी बात। तो मैं आप सब लोगों को, सारे श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आगे भी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहे। जरूर जरूर जरूर।